बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा, एक्सरसाइज 11.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। एक कॉइन, एक सिक्का, जिससे हमारे आजकल पाकिस्तान में आ रहा है, 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, और कुछ जगह पे 10 रुपीज का भी बहुत कम कम जगह पे चल रहा है। तो ये है, इसको टॉस किया गया है कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, ड्रा अ ट्री डायग्राम टू इलस्ट्रेट द डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स। तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो उसको एक ट्री डायग्राम के जरिए हमने इसको शो करना है। तो जब भी एक कॉइन्स को हम फेंकते हैं, जिस तरह क्रिकेट वाले को टॉस करते हैं, वही होता है ये, वही टॉस। उसमें दो ही उसमें चांस होते हैं, जब एक बार उसको टॉस करते हैं तो क्या चांस होते हैं, या उसमें हेड आ सकता है या फिर उसमें टेल आ सकती है। एक साइड इसका हेड होता है और दूसरी साइड उसकी टेल होती है, दो ही इसके चांसेस होते हैं। तो आइए अब इसको 3 टाइम इसको हम टॉस करते हैं और इसको डायग्राम के जरिए हम इसको शो करते हैं। एक दफा थ्रो किया, या उसका हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ऐसे ही है। अब फिर दूसरी दफा इसको जब टॉस करेंगे तो फिर दूसरी दफा फिर हेड आएगा या टेल, हेड आएगा या टेल। फिर इसको तीसरी दफा जब इसको हमने टॉस करना है तो फिर, तो इसमें यह होता है कि जब तीसरी दफा करेंगे तो फिर हम हर एक के अलग से आगे दोबारा से बनाएंगे। जैसे देखो, इसके आगे लग से, ये जो टेल है इसके आगे लग से, और ये है इसके आगे लग से, और इसके आगे अलग से। तो इसी तरह हम इसके आगे आप लिख देंगे, वही हेड टेल, हेड टेल, फिर इसका हेड और फिर ये टेल, फिर इसका हेड और ये टेल। तब देखें इसके पॉसिबल आउटकम्स अब क्या होंगे। वैसे तो इसके आउटकम्स फाइंड करने का फार्मूला भी है, लेकिन अभी हम यहाँ पे इस लेवल में 8th क्लास में वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तब देखें कि इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। अब देखिए, हमें एक साइड से चलना है। अब जैसे एच एच एच, एक इसका आउटकम ये हो गया, आप फिर एच एच और टी, यानी हेड हेड टेल, हेड हेड एंड टेल, इस पे ये भी हो गया और इस पे ये भी हो गया। अब इसके इस वाली ब्रांच पे आ जाएं, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये भी हो गया। अब हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, इसके साथ सारे हो गए हैं। तो अब दूसरे वाले पे आ जाएं, ये टेल का जो स्टार्ट हो रहा था, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। इसमें देखिए, कोई भी इसमें जो इसकी रूट है, जो इसकी ब्रांच है, वो छोड़नी नहीं है हमने, इसके साथ हो गया। अब इधर से इधर आ जाएं, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड हो गया। अब टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल ये टेल है, बड़ा लिख देता हूँ, टेल टेल टेल, ये हो गया। ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये बेटा इसके जो यही पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये उसके सैंपल जो हैं, ये इसको हम इस फॉर्म में भी लिख दिया इसको, ठीक है, यहीं से दे के ये इधर लिख दिया है। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड वाला जो पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, जिसमें 3 हेड्स आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। अब देखिए, 3 हेड किसमें आ रहे हैं, इसमें 3 हेड आ रहे हैं, हेड 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 3 हेड है ना, और 3 हेड कहाँ पे आ रहे हैं, और 3 हेड कहीं पे भी नहीं आ रहे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जब 3 हेड की पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है तो इसमें हमने नीचे का लिखना होता है, नीचे लिखना होता है जो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो पॉसिबल जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, ये चाहे आप यहाँ से गिनने, चाहे यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एड्स हैं। तो 3 हेड जिसमें तीनों हेड्स हैं वो आउटकम्स कितने हैं, वो इसके 1 ही है, ये वाला, तो 1। तो ये बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, जिसमें 2 टेल्स आ रहे हैं। तो अब देखो, 2 टेल्स किसमें हैं, इसमें देखो 1 2 टेल्स हैं,
और किसी में, इसमें देखो वन और टू, ये टेल है, ये टेल है, इसमें भी टू टेल्स हैं, तो तीन इसमें आउटकम जैसे हैं जिसमें दो मरतबा टेल्स आ रहा है, तो उसका लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो एट ही है, तो टू टेल्स वाले सैंपल कितने हमारे पास, तीन, तो थ्री ओवर एट इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा इसका बेहतर आंसर यही है, कुछ बुक्स वाले या इसको परसेंटेज की फॉर्म में शो कर देते हैं, तो वो भी अगर कोई कह दें आपके टीचर तो करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, तो अदरवाइज इसी फॉर्म में रहने दें। इसको परसेंटेज में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ परसेंटेज का साइन आ जाता है, फिर वो कैंसिलेशन करके वो डेसिमल में आंसर आ जाता है या वैसे होल नंबर में आ जाता है, वो भी ठीक होता है, लेकिन बेहतर यही इसका मेथड है। क्वेश्चन नंबर टू है, थ्री कार्ड्स लेबल वन टू एंड थ्री प्लेस इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर तीन कार्ड हैं, एक कार्ड के ऊपर वन लिखा हुआ है, दूसरे कार्ड के ऊपर टू लिखा हुआ है और तीसरे कार्ड के ऊपर थ्री लिखा हुआ है। उनको इस तरह से रखा जाता है कि उससे थ्री डिजिट्स नंबर बनाए जा रहे हैं, दे आर ड्रॉन आउट एंड प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर टू फॉर्म अ थ्री डिजिट नंबर। इन तीनों नंबर से थ्री डिजिट नंबर बनाया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर फॉर्म इज इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी वो फाइंड करनी है, ऑड की फाइंड करनी है और लेस देन 200 की फाइंड करनी है। तो अब देखिए इन तीन डिजिट से कितने हमारे थ्री डिजिट नंबर बन सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। तो इनके बेटा पॉसिबल आउटकम्स बनाने का मैं डायरेक्ट आपको मैथड बता देता हूँ। पहले वन लिखें, वन के साथ टू और थ्री यानी 123। अब वन को आपने शुरू में रहने देना है, पहले टू थ्री लिखा था, अब थ्री टू कर लें, थ्री और टू को आपस में ऐसे इंटरचेंज कर लें, ये दूसरा बन गया। अब वन पहला खत्म हो गया, अब टू को ले लें, टू के साथ वन और थ्री, अब आपने पहले टू लिखा है ना, वन और थ्री, फिर टू के साथ पहले वन और थ्री लिखा, अब थ्री और वन, यानी इन दोनों को हमने आपस में इंटरचेंज कर देना होता है, थ्री और वन। अब टू को भी हमने स्टार में लिख लिया, अब थ्री को लिख लें, थ्री के साथ वन एंड टू, फिर थ्री के साथ पहले वन एंड टू, अब टू और वन कर लें। तो ये बेटा इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, इन थ्री जो नंबर्स हैं इनके साथ ये वाले नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं, या थ्री डिजिट्स के साथ ये हम थ्री डिजिट्स नंबर हमारे बन सकते हैं। टोटल कितने नंबर बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये बन सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है कि इसमें जो इवन है, इवन वाले कितने हैं, इवन वाले देखें, एक दो ही हैं इसमें जो इवन है, ये वाले दो हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनकी प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे लिख भी लें इवन ब्रैकेट के अंदर, चाहे इवन लिख लें ऐसे या पूरे स्पेलिंग के साथ लिख लें, तो इसके टोटल कितने हैं, इवन दो नंबर हैं और टोटल आउटकम कितने हैं, आउटकम सिक्स हैं, तो टू ओवर सिक्स। इसको सेम टेबल से जितना का आप कैंसिल कर सकते हैं कर लें, टू के टेबल से टू वन द टू थ्री द वन बाय थ्री। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में आता है ऑड, ऑड नंबर कितने हैं, तो इनके अंदर बेटा जो टोटल ऑड नंबर्स हैं वो ये वाले चार हैं, ये मैंने इसी यहाँ से देख के लिखी है, दो इसमें इवन थे और बाकी जो चार हैं वो ऑड हैं, तो इनकी जब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे तो ऑड नंबर्स की तादाद कितनी है, फोर, और टोटल आउटकम कितने थे, सिक्स, तो इनको अब सेम टेबल से जब कट किया तो टू ओवर थ्री, यानी टू टू द और टू थ्री द, टू ओवर थ्री इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसका थर्ड पार्ट है कि उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो लेस देन 200, तो 200 से जो लेस हैं, ये भी 200 से लेस है, ये भी 200 से लेस है, भाई ये दो नंबर ही हैं जो 200 से कम है, बाकी 200 से ज़्यादा हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं लेस देन 200, तो टोटल जो 200 से लेस कितने नंबर हैं, टोटल नंबर दो हैं ओवर सिक्स, इसको सेम टेबल से कट किया तो वन बाय थ्री, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री है, अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को खींचा गया है कहाँ से, फ्रॉम अ पैक ऑफ 50 कार्ड, 50 कार्ड्स हैं उसमें से एक कार्ड लिया गया है
उन कार्ड्स के ऊपर नंबर कहाँ तक लिखे हैं, 1 to 50। 50 कार्ड में 1 से लेके 50 तक उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। 1 से लेके 50 तक में वो वाले नंबर हमने पहले चूज करने हैं, उसमें से निकालने हैं, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो मल्टीपल ऑफ 5 हैं। तो 1 से लेके 50 तक कौन से नंबर हैं जो 50 के मल्टीपल्स हैं? तो बेटा 1 से लेके 50 तक जो मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं वो ये वाले हैं। तो टोटल ये कितने हैं? टोटल ये 10 हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या इसका फार्मूला यूज करते हैं? नीचे आते हैं, टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं? 1 से लेके 50 तक टोटल नंबर कितने बनते हैं? 50। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मल्टीपल ऑफ 5 की। तो मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं? ये टोटल 10 है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो ऊपर और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो इनको आप जितना आप सेम टेबल से कट कर सकते हैं कर लें। 0 से 0 क्या हो गया? अल्लाह को प्यारा हो गया। बाकी 1/5 ये इसका मल्टीपल ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी ये है। तो बेटा टोटल आउटकम में से जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ये वाले हैं। तो ये मल्टीपल ऑफ 3 के जो आउटकम्स हैं वो ये वाले हैं। तो अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो ये टोटल 50 है, तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हैं ये, इनको सारों को काउंट करो, ये बनते हैं 16। तो 16/50, तो इनको हम जब सेम टेबल से हम इसको कट करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या आ जाता है? ये सिर्फ 2 के टेबल से कट हो रहा है, 2 8s और 2 25 द, 8/25। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई मल्टीपल ऑफ 3 की। तो इसमें थर्ड पार्ट है अ स्क्वेयर नंबर। 1 से लेके 50 तक जो नंबर स्क्वेयर होते हैं, जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वेयर होते हैं। तो देखें इसमें कौन कौन से नंबर स्क्वेयर होते हैं। 1 होता है, फिर इसके बाद 4 होता है, फिर इसके बाद 9 होता है, 9 के बाद 16 होता है। ये 4 का 16 होता है ना, 5 का 25 होता है, और 6 का 36 होता है, ठीक है, और 7 का 49 होता है। तो ये स्क्वेयर्स हैं, ये किसी नंबर के स्क्वेयर हैं। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 से लेके 50 तक जो नंबर स्क्वेयर होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वेयर होते हैं, वो ये नंबर 1, ये टोटल 7 नंबर बनते हैं। तो इनकी जब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो हालांकि बुक के ऊपर ये उन्होंने ये 6 के साथ निकाला हुआ कि ये 6 नंबर्स हैं, हालांकि 50 तक ये 7 नंबर बनते हैं। तो 7/50 इस रेंज में, 1 से लेके 50 तक जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो ये बन जाते हैं 7, और हमारे टोटल जो इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये वो टोटल जो नंबर हैं वो 50 हैं। 1 से लेके 50 तक 50 बनते हैं ये। तो ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्पिनर इज मार्क विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। ये एक स्पिनर है जिसका व्हील घूमता इस तरह है, इसमें 1 से लेके 16 तक ये नंबर लिखे हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5? इसमें 5 के मल्टीपल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर हम देखे लेते हैं कि इसमें जो मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं वो कितने हैं। तो ये बेटा मल्टीपल्स ऑफ 5, 1 से लेके 16 तक जो मल्टीपल ऑफ 5 है ना, वो ये 3 नंबर दिए हैं। यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी के अंदर आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 5। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, जो टोटल नंबर्स कितने हैं, 16 है। तो इसमें मल्टीपल ऑफ 5 के जो फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो है 3। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/16। सेकंड पार्ट है आ प्राइम नंबर। तो 1 से लेके 16 तक हमारे प्राइम नंबर कितने बनते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आपके से अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, उनके उसके टू डिवाइजर होते हैं, 7, 11 and 13। तो इनकी जब प्रोबेबिलिटी करेंगे तो क्या आएगा? तो ये टोटल प्राइम नंबर बेटा, ये हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं ये 6 हैं। तो डिवाइड करना होता है टोटल नंबर से, तो हमारे पास टोटल जो है वो 16 है, तो 16 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको सेम टेबल से अगर कट हो रहे हैं तो कट कर देंगे, 2 3 का और 2 8 का, 3/8। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आई है प्राइम नंबर्स की। थर्ड पार्ट है एन इवन नंबर्स। तो इसके अंदर इवन नंबर्स कितने हैं? तो इससे बेटा इवन नंबर्स ये वाले हैं, 1 से लेके 16 तक जो इवन नंबर है ना, ये टोटल 8 बनते हैं। तो इनकी जब प्रोबेबिलिटी करेंगे तो यहाँ पे लिख भी देना इवन नंबर्स,
तो इसमें टोटल जो नंबर हैं, जो टोटल आउटकम जो पॉसिबल आउटकम वो 16 है, तो जो इवन नंबर, क्योंकि हम इवन नंबर की जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो वो 8 है, तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शन से तो 8 1 द 8 2 द 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई इवन नंबर्स की। इसी तरह जब हम अभी ऑड नंबर करेंगे तो भी ऐसे ही है, तो इसी तरह ऑड नंबर का भी 1 से लेके 16 तक जो ऑड नंबर है ना वो ऑड नंबर ये वाले हैं, ये मैं लिख दिए हैं, तो ये टोटल 8 हैं, तो जब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो ऑड नंबर 8 है, डिवाइड करना होता है इसको टोटल जो आउटकम्स होते हैं जो टोटल नंबर है टोटल 16 है, तो इस तरह इसको 8 1 द 8 2 द 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लास्ट वाला है अ स्क्वेयर नंबर, 1 से लेके 16 तक जो स्क्वेयर हैं वो कितने हैं, तो बेटा इसमें 1 से लेके 16 तक जो स्क्वेयर नंबर्स हैं वो ये हैं 1, 4, 9 और 16, तो टोटल ये 4 हैं, फेवरेबल जो आउटकम 4 हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 से लेके 16 तक वो 16 हैं, तो 16 तक जो हमारे स्क्वेयर नंबर हैं ना वो 4 हैं ये वाले, तो 4 1 द 4 4 द 1/4। जब बड़ी क्लास में जाएंगे फिर इसको परसेंटेज में भी शो कर देते हैं, लेकिन वो बात की बातें हैं, बुक वालों ने इसको 3 नंबर्स का है, उन्होंने 3/16 के इतना लिखा होगा, कहीं हो सकता है कुछ बुक्स पे ठीक हो गया हो, लेकिन जो मेरे पास एडिशन है उसके ऊपर उन्होंने 3/16 लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 से लेकर 16 तक टोटल 4 नंबर बनते हैं, तो वो 16, तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग सम बॉल्स नंबर, कुछ बॉल्स हैं जिसके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल विद नंबर 20, तो इसमें से जो नंबर 20 है वो किसी के ऊपर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसका हम क्या करेंगे नंबर 20 का, तो जो नंबर 20 है वो कितनी मरतबा है, नंबर 20 एक मरतबा भी नहीं है, जीरो मरतबा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी जीरो रहेगी, जो टोटल नंबर 8 है 0/8, जब ऐसे डायरेक्ट भी जीरो लिख दे फिर भी ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है, 0%, यानी 20 आने का कोई चांस नहीं है, तो इसके अंदर एन इवन नंबर, तो इसके अंदर इवन नंबर कौन से हैं जिसका जो टू के टेबल से डिवाइड होते हैं, इसमें इवन नंबर कोई भी नहीं है यानी जीरो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम इसी तरह जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट है अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं, जो प्राइम नहीं ना होते वो कंपोजिट होते हैं, तो इनके अंदर जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो हमारे ये वाले हैं 15, 21 और 25, इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर हैं ना वो प्राइम नंबर हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए होते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, ये टोटल नंबर कितने हमारे पास 8 हैं, तो कंपोजिट नंबर्स की तादाद कितनी है 3, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 3/8, ये फर्दर सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ है अ परफेक्ट स्क्वेयर, इसके अंदर परफेक्ट स्क्वेयर कौन से हैं, परफेक्ट स्क्वेयर इसके अंदर सिर्फ 25 ही है, तो इसमें बेटा परफेक्ट स्क्वेयर जो है एक ही नंबर है 25, तो इनकी जो तादाद है कितने नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वेयर है, एक ही है 1, और टोटल इसके आउटकम्स थे 8, तो 1/8 ही इसका बेटा आंसर है। तो नेक्स्ट वाला है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं, इसमें से प्राइम नंबर्स ये वाले हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी इन नंबर्स की तादाद कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 5 ओवर टोटल इसके पॉसिबल आउटकम थे 8, तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी है इसके लास्ट पार्ट की। तो इसमें बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा 6 से पहले ये भी इसका पार्ट भी है, ऑल इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव Why? क्या आपस में कोई इसमें सेम भी है, इसमें ऑल इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज, इसमें यह आ जाएगा कि इसमें नो, इसमें जो आउटकम्स हैं आर नॉट कॉमन, कि इसके अंदर कोई भी जो इवेंट है वो कॉमन नहीं है, इसलिए ये एक्सक्लूसिव ही है, ये आपस में इनमें कोई बात सेम नहीं है, ये जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7